जल है तो जीवन है। भारत के इन वर्षावनों में जब मानसूनी बारिश अपना जादू बिखरती है तो चारों ओर हरियाली छा जाती है और हर तरफ जीवन पनपने लगता है। इन्हीं घने जंगलों में कुछ नन्हे जीव भी रहते हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। इन्हीं जीवों में से एक है मेंढक। वैसे तो भारत में मेंढकों की कई प्रजातियां हैं, लेकिन मेंढक हमारे लिए आज भी रहस्य बने हुए हैं। मेंढकों की गिनती उन जीवों में होती है जो धरती पर सबसे पहले आकर बसे। यह सबसे संवेदनशील प्राणी है। ये पर्यावरण में होने वाले सूक्ष्म बदलावों से सबसे पहले प्रभावित होते हैं। इनकी बहुत सी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है, लेकिन यह जीव डायनासोर के समय से धरती पर मौजूद है, फिर भी हम इनके बारे में बहुत कम जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रहस्य एंड नेचर के इस खूबसूरत वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल के आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं इस खूबसूरत वीडियो को। व्हाइट ट्री फ्रॉग वुडलैंड और उत्तरी पूर्व ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पानी के करीब पाया जाता है। वैसे तो मेंढक को कभी कोई गौर से नहीं देखता, लेकिन मेंढकों की इस प्रजाति के चेहरे पर अन्य मेंढकों की अपेक्षा मुस्कान बनी रहती है। जिस तरह लोग घरों में मछलियां पालते हैं और उनके लिए एक्वेरियम की व्यवस्था करते हैं, ठीक उसी तरह लोग इन मेंढकों को भी पालते हैं और इनके लिए कुछ अलग तरह के एक्वेरियम भी होते हैं। इनके एक्वेरियम में छोटे छोटे नकली पेड़ भी होना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि इन मेंढकों को उन पर चढ़ना बेहद पसंद होता है और ऐसा होने से यह बहुत खुश होते हैं। लेकिन अगर आप इन्हें खुश रखने के लिए ही पाना चाहते हैं तो इन्हें पालिए ही मत, क्योंकि यह ज्यादा खुश अपने समूह में ही रहते हैं। गोल्डन टोड। यह मेंढक चमकीले सुनहरे रंग के होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें गोल्डन टोड कहा जाता है। मेंढक की इस प्रजाति की खोज 1970 में हुई थी और कुछ ही समय में इस प्रजाति का अंत भी हो गया। इस प्रजाति के मेंढकों को आखिरी बार 1990 में देखा गया था। ऐसा माना जाता है कि यह प्रजाति अब पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है। इस प्रजाति का अचानक से गायब हो जाना अपने आप में एक अचंभा है, क्योंकि इनकी खोज के बाद इनकी जनसंख्या काफी अच्छी खासी हुआ करती थी। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि शायद किसी संक्रमण के कारण या मौसम में भारी बदलाव की वजह से इस प्रजाति का अंत हो गया, क्योंकि वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि मौसम में जरा सा भी बदलाव मेंढकों की प्रजाति पर काफी असर डालता है। रानी टोमे अमेजोनिका। मेंढकों की यह प्रजाति 16 से 19 मिलीमीटर लंबी होती है, पर नर की अपेक्षा मादा की लंबाई थोड़ी ज्यादा होती है और इनकी त्वचा बेहद चिकनी और काले रंग की होती है। इनका धड़ नारंगी और लाल रंग से मिला जुला होता है। खैर, मुख्य रूप से यह मेंढक अमेज़न के जंगलों में पाए जाते हैं। यह दिखने में जितने सुंदर दिखते हैं उतने ही जहरीले भी होते हैं। अगर आप इन मेंढकों को शांत अवस्था में बैठा हुआ देखेंगे तो आपको यह लगेगा कि आप किसी रबर के मेंढक को देख रहे हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार सन 1999 से 2000 के बीच अमेज़न के जंगलों में 1200 से अधिक नई प्रजातियों की खोज की गई है। रेड आई ट्री फ्रॉग को मेंढकों की प्रजाति का सबसे खूबसूरत मेंढक माना जाता है। जैसा कि नाम से ही साबित हो रहा है कि इस मेंढक की आंखें लाल रंग की होती है, जो इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देती है। इस मेंढक की खास बात यह है कि जब यह आराम करता है तो अपनी आंखों को पूरी तरह बंद कर लेता है, लेकिन जब कोई शिकारी या अन्य जीव इसे परेशान करता है तो यह अपनी लाल आंखों को कुछ इस तरह बढ़ाता है कि कुछ सेकंड के लिए उसकी आंखों को देखकर डर जाए। अपने पतले शरीर और अंगूठे के द्वारा यह पेड़ पर आसानी से चढ़ जाता है, जिससे यह शिकारी से बच जाता है। यह मेंढक ज्यादातर दक्षिणी मेक्सिको के जंगलों और सेंट्रल अमेरिका में पाए जाते हैं। स्ट्रॉबेरी पॉइजन डॉट फ्रॉग। यह मेंढक भी देखने में कम खूबसूरत नहीं लगता, क्योंकि यह भी दूर से ही चमकने लगता है।
वैसे तो इसका शरीर चमकदार लाल और काले धब्बे वाला होता है, लेकिन इसकी नीली टांगों की वजह से इसे ब्लू जीन्स फ्रॉग भी कहते हैं। मेंढक की यह प्रजाति अपने रंग की वजह से काफी प्रसिद्ध है और अभी तक इस प्रजाति के 15 से 20 प्रकार के रंग रूप वाले मेंढक देखे जा चुके हैं। रंग रूप के अलावा आकार में यह छोटे होते हैं। इनका भोजन मुख्य रूप से धरती की सतह पर और पेड़ों पर पाए जाने वाली चींटियां होती है। मेंढक की इस प्रजाति में एक सिस्टोमेटिक ढंग से कार्य करने का तरीका देखा जाता है, जहां एक तरफ नर घोंसले की रक्षा करते हैं, उन्हें पानी आदि देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मादाएं अंडों को देखती है और जब तक उनसे बच्चे बाहर नहीं आ जाते तब तक वह अंडों की पूरी तरह से देखभाल करती है। इनकी प्रजाति में मादा एक बार में 3 से 5 अंडे देती है, जिस वजह से इनकी प्रजाति की जनसंख्या का संतुलन बना रहता है। टाइगर फ्रॉग को 2007 में साउथ वेस्टर्न कोलंबिया में खोजा गया था। इसके चमकीले शरीर पर काले रंग की इस तरह की धारियां पाई जाती है जैसे किसी बाघ के शरीर पर होती है। इसी कारण इसका नाम टाइगर फ्रॉग रखा गया है। अपने आसपास खतरा महसूस होने पर यह अपने शिकारियों को भगाने के लिए एक जहरीले खतरनाक जानवर की तरह ही उन्हें डराता है। पर गौर करने वाली बात यह है कि इसका तरीका सिर्फ उनसे मेल खाता है, बाकी इसके अंदर आमतौर पर जहर नहीं पाया जाता। हर्लिक्विन फ्रॉग, यह प्रजाति सेंट्रल साउथ वेस्ट और साउथ अमेरिका के स्थानों पर पाई जाती है। इनका रंग हमेशा बहुत ही उज्जवल होता है। इनके शरीर की त्वचा पर नारंगी हरे लाल रंग के स्पॉट्स भी देखे जा सकते हैं। मेंढक की इस प्रजाति में नर की लंबाई 4 सेंटीमीटर तक होती है, वहीं मादा की लंबाई इससे थोड़ी कम 3.5 सेंटीमीटर तक होती है। यह मेंढक जहरीले होते हैं। इसके शरीर में सबसे ज्यादा जहर इसकी त्वचा में पाया जाता है और यदि भूल से भी कोई मछली या जीव इसे खा लेता है तो उसकी मौत निश्चित है। यह मेंढक कीड़े, चींटियां, मक्खियां और पत्तियां खाते हैं और इसे भोजन में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आती, क्योंकि यह जहां रहते हैं वहां कीड़े मकोड़ों की कोई कमी नहीं होती। मेलागासी रेनबो फ्रॉग, यह मेंढक सबसे सुंदर मेंढक माना जाता है। इसकी एक विशेषता यह है जो इन्हें अन्य मेंढकों से खास बनाती है, वह यह है कि यह मेंढक पूरे 10 महीने तक जमीन के अंदर रह सकते हैं। इसके शरीर में आगे के पंजे की बनावट ऐसी होती है कि यह मेंढक अपने पंजों के सहारे काफी समय तक दीवारों या पेड़ों पर चिपके रह सकते हैं। इस तरह दीवार पर चिपकने से यह अपने आप को शिकारियों से तो बचाता ही है। इसके अलावा कभी इसके निवास क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है तो यह ऊंचाई पर चढ़कर बाढ़ से भी अपने आप को बचा सकते हैं। ईश्वर ने भले ही इन्हें बचने के लिए इतने सारे हथियार दिए हों, लेकिन अफसोस इतना गुणवान होने के बावजूद हर साल इन्हें पालतू व्यापार के लिए पकड़ लिया जाता है और इसी कारण इनकी संख्या साल दर साल कम होती जा रही है। वेनी जिविलियन ग्लास फ्रॉग, मेंढक की यह प्रजाति सबसे अलग दिखती है। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि इसकी त्वचा कांच की तरह पारदर्शी होती है और इसी पारदर्शी त्वचा के कारण ही यह सबसे अलग माना जाता है। दिखने में खूबसूरत यह मेंढक बिल्कुल कांच का बना हुआ ही लगता है। पारदर्शिता के कारण इसके शरीर के सभी अंगों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस मेंढक की आंखें तो बड़ी बड़ी होती है, लेकिन शरीर पतला और 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा होता है। आमतौर पर यह वर्षावन या टटी पहाड़ियों वाले क्षेत्र में पाया जाता है। इसकी खास बात यह है कि जब यह मेंढक पत्तियों के ऊपर बैठ जाता है तो अपने पारदर्शी शरीर के कारण यह नजर ही नहीं आता, क्योंकि यह पत्ती के साथ ही मिल जाता है और किसी पानी की बूंद की तरह दिखने लगता है। इसकी विशेषताएं इसकी जान बचाने में बहुत मदद करती है, क्योंकि इस वजह से यह मेंढक शिकारियों की नजर में ही नहीं आता। विशेषज्ञों के अनुसार इस मेंढक की 60 प्रजातियां मिली है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पारदर्शी शरीर के कारण काफी प्रजातियां जंगल में छुपी हो सकती है। तो दोस्तों, यह थे दुनिया के कुछ खूबसूरत माने जाने वाले मेंढक। आपको इनमें से सबसे खूबसूरत मेंढक कौन सा लगा, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने या सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।